हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैगल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ कंडीशन के साथ परसेंटेज को निकालना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने एक सैम्पल डेटा तैयार किया हुआ है, जहां पर कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट हैं, उनके सब्जेक्ट हैं और उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन सभी के यहाँ पर मार्क्स हैं। तो इसमें हम आज क्या सीखेंगे, एक तो हम उसका परसेंटेज निकालना सीखेंगे, सेकेंड हम सीखेंगे कि अगर हमें ग्रेड उसका जानना है विद इफ़ कंडीशन के साथ तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हमने एक पहले से ही कंडीशन सेट की है कि अगर किसी स्टूडेंट का 80 से प्लस परसेंटेज है तो उसके लिए हम ग्रेड 1 यूज़ करेंगे, और अगर 70 to 80 के बीच में अगर उसके परसेंटेज हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर सेकेंड ग्रेड कंसिडर करेंगे, और थर्ड हम कंसिडर करेंगे यहाँ 60 to 70 अगर किसी की परसेंटेज है स्टूडेंट की तो उसको हम यहाँ थर्ड पर कंसीडर करेंगे, और किसी के अगर स्टूडेंट की 60 से नीचे अगर है, बिलो है, तो उसको हम यहाँ पर फोर्थ कंडीशन कंसीडर करेंगे। तो चलिए सीखते हैं फिर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, मैं आपको इसको दोबारा से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट के यहाँ पर टोटल मार्क्स हमारे सामने हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप इसमें क्या रहता है कि जितने भी ये स्टूडेंट के यहाँ पर मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट के, इन सभी को हमें यहाँ पर क्या है टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए सिंपल सा तरीका आपके पास ऐसा भी है कि जहाँ तक अगर आप फंक्शन आपको पता नहीं तो उसको यहाँ पर ऑटो सम के थ्रू भी ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका यह है। दूसरा आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, प्लस और इस तरह से भी, जिस तरह से भी आपको कन्वर्ट करके मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ सकें। अब आप चाहें तो इसको सिंपली से नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं, या उसके लिए आप जो है सम वाला फंक्शन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है पहले स्टेप में कि जितने भी ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स थे इन सभी को हमने यहाँ पर जो है उनका टोटल यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये सभी के अभी हमारे पास जितने भी 5 सब्जेक्ट थे उन सभी का यहाँ टोटल हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। तो इसकी मैं थोड़ा बॉर्डरिंग कर दूँ अच्छे से। तो ये यहाँ पर हमारा टोटल ये हमें पता चल गया। अब हमें इसका क्या निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करना भी मैं आपको दो तरीके से समझाऊँगा, जो भी आपको बेस्ट लगे उसको आप जो है रख सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका क्या होता है परसेंटेज कैलकुलेट का, इज इक्वल टू, अब देखिए टोटल हमारा यहाँ पर ये रहेगा डिवाइड बाय 500। अब 5 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो हम यहाँ पर करेंगे 500 और देन हम सिंपली यहाँ पर प्रेस कर देंगे परसेंटेज, और सिंपली हम यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। तो एक तरीका तो यह है कि परसेंटेज का, जिसमें सिंपली इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू आप ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका इसमें क्या है, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 500 और सिंपली इंटर। तो मैंने आपको यहाँ दो तरह से मेथड बता दिए हैं, तो जो भी आपको मेथड इसमें अच्छा लगता है उसको आप जो है यहाँ पर अप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हमने इन सभी सब्जेक्ट का यहाँ टोटल हमने कैलकुलेट किया, देन उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर इन सभी को हमने इस टोटल जो वैल्यू हमारे पास आई थी इसको हमने डिवाइड किया 500 से। तो 500 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर इन सभी की यहाँ पर परसेंटेज इस तरह से यहाँ पर मिल गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज का डेटा भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हमारे यहाँ पर हमने दो स्टेप अभी तो हमने कंप्लीट कर लिए। तो पहले स्टेप में हमने क्या सीखा कि टोटल अगर हमें उसकी जाननी है तो उसको हम कैसे जान सकते हैं, सेकेंड में हमने देखा कि अगर हमें उसका परसेंटेज निकालना है उस टोटल के बेस पर उस 5 सब्जेक्ट का तो उसको हम किस तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने दो स्टेप हमने जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब हमें यहाँ जानना है कि इस परसेंटेज के हिसाब से जो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया है
कि अगर किसी स्टूडेंट का 80 प्लस अगर परसेंटेज हो तो उसको यहाँ ग्रेड वन आ जाए, और किसी अगर स्टूडेंट का यहाँ पर 70 to 80 तक अगर किसी की परसेंटेज है तो वहाँ पर हमारा आ जाए यहाँ पर सेकंड, और 60 से लेके 70 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर परसेंटेज है तो वहाँ पर हमें थर्ड यहाँ इस कॉलम में डिस्प्ले हो जाए, और 60 से अगर बिलो किसी के अगर यहाँ पर परसेंटेज है तो उसके लिए हम यहाँ पर फोर्थ कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से पास फेल का भी दिखा सकते हैं, या आप अपने हिसाब से ए बी जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे इफ़। तो इफ़ में पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है, ये वाला, ठीक है, ग्रेटर देन 80। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर 80 के अबव अगर कोई अगर हो तो वहाँ पर अगर ये इसको वैल्यू मिले तो वहाँ पर ये हमें दिखा दे 1। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी हमने हमारी। फिर हम सेकंड वही दोबारा इफ़ यूज करेंगे एक बार फिर से, और रेफरेंस हमारा सेम यही रहेगा ग्रेटर देन। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, 70। तो 70 के लिए हमने वहाँ पर क्या रखा हुआ है कि वहाँ पर अगर उसको वैल्यू मिले तो वहाँ पर हमें 2 शो करे। अब थर्ड कंडीशन भी हमारी है तो उसके लिए हम फिर यहाँ पर इफ़। तो अभी एक तरह से हम यहाँ पर नेस्टिव इफ़ का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम रखेंगे 60। मैं पहले फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ फिर आपको मैं बताऊँगा कि मैं किस तरह से ये चीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम रखेंगे थर्ड, ओके, और अगर ये वैल्यू उसको मैच ना हो तो उस केस में वहाँ पर आ जाए फोर्थ, ओके, 1, 2 and 3। सिंपली ये हमारा आ गया रिजल्ट, और इसको मैं इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा। अभी आप देख रहे होंगे 80 ये जो है जहाँ जहाँ 1 है ये आप देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा कलर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब जहाँ जहाँ 1 है, अब ये देखिए जहाँ 1 दिखा रहा है यानी कि 80 से अबव अगर कोई परसेंटेज थी तो उसके यहाँ पर इसने 1 में कंसिडर किया है। अब 70 से लेके 80 वाले को जो है परसेंटेज को इसने यहाँ पर 2 नंबर में रखा है। हम चेक करते हैं कलर वाइज, थोड़ा इसको कलर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी से इसको समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो ये इसने यहाँ पर सेकंड शो कर दिया। अब 60 से सेकंड लेके हम तो यहाँ चलते हैं, 2 हमारे ये हो गए स्टूडेंट की परसेंटेज, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया थर्ड, ओके। अब जो बचा वो है हमारा यानी कि डेंजर जोन में। तो ये हमारा हो गया 50, ये हो गया हमारा रेड जोन में यानी कि ये जो है खतरे के निशान पर हैं। ये मैं आपको कलरिंग इसके लिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से इसको समझ में आ जाए। ये हमारा थर्ड वाला है तो इसको मैं इस कलर से कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हमने अभी तक एक्चुअली यहाँ पर क्या किया। तो पहले में हमने यहाँ कंडीशन क्या रखी, हमने पहले कंडीशन ये रखी कि इस परसेंटेज से ग्रेटर देन अगर 80 के बराबर कोई अगर वैल्यू होती है तो वहाँ पर हमें 1 शो करे, ठीक है। और सेकंड में हमने यहाँ पर क्या रखी कंडीशन कि इसी के बराबर अगर 70 से लेके इसके बीच में अगर हो तो यहाँ पर 2 कंसिडर आ जाए हमारा इस तरह से। और अब हमें इसी को रेफरेंस लेना पड़ रहा है क्योंकि हम जो यहाँ पर परसेंटेज जो हमने यहाँ यूज किया है वो हमने इसी फंक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये हमारा पहली कंडीशन थी कि 80 से लेकर अगर यहाँ पर हो तो हमारा यहाँ 1 आ जाए, और फिर हमने यहाँ सेकंड जो यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन यूज की वहाँ हमने यह किया कि अगर 70 से लेकर 80 के बीच में अगर कोई यहाँ पर आता है तो वहाँ पर हमारा यहाँ पर 2 ये रिज़ल्ट हमें दिखा दे, और अगर इस
परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर कुछ 60 से लेकर 70 तक कोई अगर इसको वहाँ पर वैल्यू मैच होती है तो वहाँ पर ये थर्ड शो करे, और अगर यहाँ पर 60 से लेके बिलो कोई अगर इसको एवरेज मिलती है, क्योंकि यहाँ तक तो हम 60 ले चुके हैं। अब हमने यहाँ पर लास्ट में कंडीशन क्या दी कि अगर इनमें से इसको कोई भी अगर वैल्यू मैच ना हो, मतलब वो रिजल्ट अगर ना मिले, तो उस केस में हमें ये यहाँ पर शो कर दे फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा तो इस तरह से कितने आसान तरीके से हमने इसको यहाँ पर इसका हमने देखिए, पहले हमने परसेंटेज निकाल लिया, इसका टोटल निकाल लिया, और आखिर में हमने इसका देखिए ग्रेड भी यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखिए कोई भी वैल्यू अगर आप रखेंगे मतलब मैनुअली अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ लिख दूँ 85 लिख दूँ, सॉरी देखिए 85 करते ही देखिए यहाँ पर हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कंडीशन सेट की है वो इस तरह से की हुई है कि यहाँ पर जब भी वो कोई अगर डेटा आए तो इसके अकॉर्डिंग वो चीज़ यहाँ पर हमें डिस्प्ले में आ जाए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा कंसर्न क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर कंसर्न है कि आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, मैं आपको दोबारा इसको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और नए नए वीडियोज़ के लिए ये चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।